नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज के विषय है ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से भी क्यों किया। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं। साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संचारक के रूप में जानते हैं। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा हुआ। पूरी पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन में उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं थी, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा देवी सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत आकर्षक थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब माता सरस्वती इस बात को समझ गई तो भगवान ब्रह्मा की नज़र से बचने के लिए वो रूप बदल कर धरती पर आ गई, मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आप की कभी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र है। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आपको भी वेद पुराण पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेद में ही दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। इसके साथ ही वेद में इस तरह की किसी भी देवी देवता का वर्णन नहीं है। हम जितने भी देवी देवता के बारे में जानते हैं उन्हें केवल पुराणों में लिखा गया है। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि इस जानकारी को सरस्वती पुराण से लिया गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम का कोई भी पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 8 पुराण की बात की गई है। इन 8 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण मौजूद नहीं है। कुछ बड़े पुराणों को उप पुराण में विभाजित भी किया गया है, मगर उप पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम के किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात की जाती है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह जैसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने बैठे तो विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष और स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन में उसकी रचना करनी होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जावंत, सनक, नंदन, संतानम, सनत कुमार, भिगु एवं अत्रि का जन्म
अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेजा। इस पृथ्वी पर ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। सरस्वती वर्मा की पत्नी है या बेटी, मगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान वर्मा ने की है, तो बेटी हो या पत्नी दोनों ही रचना भगवान वर्मा के द्वारा संभव थी। भगवान वर्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह भी लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण वर्मा का विवाह 5 बार हुआ था। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां थी, जिनमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, सता, मेधा थी। वर्मा जी की पूजा की उन्नी होती। इस पृथ्वी पर आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान वर्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान वर्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनाश नाम के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान वर्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया तो वर्मा जी ने वज्रनाम का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उन 3 झीलों को व्यवस्था मध्य और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान वर्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ का पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान वर्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि वर्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए नारद मुनि ने के गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान वर्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान वर्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान वर्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारी रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था तो उनके श्राप से यह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में तड़प देंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान वर्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान वर्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बचा पुष्कर का वर्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान वर्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय विष्णु।